தெரிஞ்சதையும் டைரக்டர் ஐவி ஸ்ரீ ராஜேந்திரி ஜெயின் ஐடிபிபி ஸ்ரீ ஆர் கே பச்சனந்தா ஒரு சபி சிஎம்எஃப் கே டைரக்டர் ஜெனரல் ஸ்ரீ அப்பர் மௌசூத் ஹை ஒரு ஸ்ரீ ஆர் கே மிஸ்ரா ஏடிஜி ஐடிபிபி அன்ய அதிகாரிகள் பகதூர் ஜவானோ ஒரு ஆப்கே சபி பரிவார் கே சதஸ்யோ யா மௌசூத் ஹை உன்னை பி மேன் சம்போதித் கரனா சாஹூங்க சச்சு ஆஜ் மே பேஹத் குஷி மஹசூஸ் ஹோ ரஹி ஹை வைசே குஷி தோ உசி க்ஷண் ஹுயி ஜிஸ் சமய் மே யே ஜான்காரி ப்ராப்த் ஹுயி 1654 ஐசே ஜவான் ஔர் அதிகாரி ஜின்கா கி 2011 கே பாத் ப்ரமோஷன் ஹோ ஜானா சாஹியே कुछ कठिनाइयों के कारण वो नहीं हो पाया, विलंब हुआ है। आज उनको रैंक जब देने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मैं समझता था कि कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल होगा अथवा सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर होगा, लेकिन मैंने देखा कि यहां पर कांस्टेबल से लेकर अधिकारियों तक सबका प्रमोशन हुआ। फिर भी आप लोगों ने आभार व्यक्त किया है, 5-6 वर्षों का विलंब होने के बावजूद मैं समझता हूं कि आभार व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक डिसिप्लिन फोर्स होने के नाते आपने इस शिष्टाचार का निर्वाह किया, विलंब होने के बावजूद सच्चाई है कि आज का अवसर तो यह है हमारे प्रति आभार व्यक्त करने का, अथवा गृह मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त करने का कोई औचित्य नहीं है। आज का यह दिन केवल आपके लिए बधाई का दिन है, खुशी का दिन है। यह तो आपका हक था, यह तो पहले ही मिलना चाहिए, विलंब हुआ है। मैं इसके लिए सचमुच बधाई देना चाहता हूं डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी श्री आर के पचनंदा और साथ ही साथ होम सेक्रेटरी और जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं और स्टाफ के लोग जिन्होंने लगकर इस काम को निस्तारित किया है। प्रमोशन यानी इसे पदोन्नति कहते हैं, इसकी हर सेवा में एक अहमियत होती है। पदोन्नत की भी अहमियत होती है और प्रोत्साहन की भी अहमियत होती है। पदोन्नत और प्रोत्साहन दोनों से किसी भी सेवा में लगे हुए कोई भी कर्मचारी हो अथवा अधिकारी हो उनका मनोबल ऊंचा होता है, स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं कि 6 वर्षों तक प्रमोशन न होने के बावजूद आपके मनोबल पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है और आपने बखूबी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व निभाया। आप सब बधाई के पात्र हैं। कितनी कठिन परिस्थितियों में आपको काम करना पड़ता है, अभी हमारे गृह राज्य मंत्री श्री किरण जी बतला रहे हैं, बराबर वो भी दौरा करते रहे। मुझे भी एक बार लद्दाख में जब श्री कृष्ण चौधरी इसके डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी थे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। इतने कड़ाके की ठंड मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी और मैंने कहा चौधरी जी से, जब इन्होंने कहा कि सुबह जवान आपसे मिलेंगे तो मैंने कहा इस ठंड में जवान कैसे मिलेंगे, लेकिन सुबह चटपट तैयार होना पड़ा और सुबह जवानों से मैं मिला।
मैं सोच रहा था कि इतनी ठंड में जवानों के चेहरे पर सिकुड़न होगी, थकान होगी, लेकिन जो जज्बा देखा मैंने जवानों के अंदर, उछल रहे थे, नारे लगा रहे थे, मैंने कहा कौन है दुनिया की ताकत जो भारत की ओर आंख उठाकर देखने की जरूरत है, जिस देश के पास ऐसे बहादुर जवान, किसी की हिम्मत नहीं है। और इतना ही नहीं, आप लोग चाहे पर्वतारोहण हो, चाहे स्कीइंग हो अथवा राफ्टिंग हो, उसमें भी बहुत ही सराहनीय और उल्लेखनीय काम किए, बहुत ही सराहनीय। और मुझे तो यह भी बताया गया है कि लगभग 250 पर्वतारोहण के कार्यक्रम इस आईटीबीपी ने किए। अभी मैं देख रहा था राफ्टिंग का एक दृश्य, ऐसा कोई आसान खेल नहीं है कि दौड़ लिए, क्रिकेट के मैदान में खेल दिए, ये सब बहुत कठिन काम है पर्वतारोहण राफ्टिंग, लेकिन यह सब कुछ आप बखूबी करते रहते हैं। यह सब भी करते हैं स्वच्छता अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। महात्मा गांधी ने सारे देशवासियों के अंदर एक स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने में यहां कामयाबी हासिल की थी। मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको एक जन आंदोलन का स्वरूप दे दिया। और उस स्वच्छता कार्यक्रम को भी आईटीबीपी के लोगों ने बखूबी चलाया है और अभी वो उसे चला रहे हैं। डिजिटल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा काम आईटीबीपी में हो रहा है। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, हर दृष्टि से टेंडरिंग का काम भी, अब ई टेंडरिंग का सिलसिला प्रारंभ हो गया जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई। तो बखूबी इन सब सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। हां, यकीन दिलाना चाहता हूं कि और कुछ प्रमोशन ऐसे होंगे जो कि नहीं हो पाए होंगे। जहां तक मुझे जानकारी है, कुछ रिक्रूटमेंट रूल्स को लेकर कोई एक प्रॉब्लम है अथवा कोई प्रपोजल होम मिनिस्ट्री में है। मैं कहूंगा होम सेक्रेटरी को भी जल्दी से जल्दी उसका निस्तारण होना चाहिए। सभी के प्रमोशंस हो सके, प्रमोशंस बाधित नहीं होनी चाहिए हमारी। कई बार गृह मंत्रालय में भी इस संबंध में जो भी निर्देश देने चाहिए वो समय समय पर मैंने निर्देश दिए हैं और उसको भी मैं देखूंगा। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के लिए एक आवासी कठिनाई कितनी रहती है उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं, लेकिन यह आवासी सुविधा को कैसे अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, इस दृष्टि से भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और उस ओर भी हमारा ये विशेष ध्यान है। तो आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आपके ऊपर भरोसा है, विश्वास है। भारत और चीन की सीमा, वहां की जिम्मेदारी आप संभाल। अभी समय थोड़ा एक डोकलाम है, डोकलाम में एक डेड लॉक भारत और चाइना के बीच चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसका समाधान जल्दी निकलेगा। चीन भी अपनी तरफ से सकारात्मक पहल करेगा। भारत का जहां तक सवाल है, यह जग जाहिर है, सारी दुनिया जानती है, भारत दुनिया का इकलौता देश है जो कि दुनिया के किसी देश पर आज तक कभी आक्रमण नहीं किया है। हम कभी न आक्रांता रहे हैं न कभी हम विस्तारवादी रहे हैं। हम उन्होंने किसी के ऊपर आक्रमण किया ही नहीं, न तो अपनी सीमा का विस्तार करने की हमने कभी सोची। हां, लेकिन यह सच है कि हमारे सेना के जवान हो चाहे सुरक्षा के जवान हो, वह दमखम रखते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा पर किसी भी सूरत में आंच न आने पाए, बस इतना ही करते हैं। और वैसे भी भारत का जहां तक प्रश्न है, हर पड़ोसी देश की तरह हम लोग अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहिए। और मैं तो भूल नहीं सकता, आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने की बात न होती तो शपथ ग्रहण समारोह में जितने भी पड़ोसी देश हैं सभी पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को उन्होंने आमंत्रित किया, वह केवल हाथ मिलाने के लिए आमंत्रित नहीं किया था बल्कि दिल से दिल मिलाने के लिए आमंत्रित किया था। और उसके बाद भी कई पहल भारत की तरफ से हुई है, क्योंकि हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बराबर कहा करते थे पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए। कहते थे जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदलता है। तो मैं तो यह संदेश अपने सभी पड़ोसियों को देना चाहता हूं, सभी पड़ोसियों को देना चाहता हूं, हम संघर्ष नहीं चाहते, हम शांति चाहते। आज की इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मेरे बहादुर जवानों और जिन अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है वे सब उनको तो बधाई देता ही हूं, साथ ही जो आपके परिजन यहां पर मौजूद है अथवा मौजूद नहीं है उन सबका भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं और उन्हें भी मैं बधाई देता हूं। और एक बार पुनः आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।